नाफ्रा ने दो चार्टर्ड अकाउंटेंट पर 10 साल के लिए बैन लगा दिया है प्रैक्टिस करने पर, प्लस पेनाल्टी 5 लाख का लगाया है। तो इसका पूरा न्यूज देख लेते हैं, न्यूज क्या है, आज ही का न्यूज है। तो इसमें क्या हुआ था कि नाफ्रा यानी कि नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसका काम है कि जो ऑडिट किया जाता है उस ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करता है और उसके हिसाब से वो अपना कार्रवाई करता है अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पाया जाता है। तो इस केस में यही हुआ। एक हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, तो इस हाउसिंग कॉरपोरेशन का एक ऑडिट फॉर्म चतुर्वेदी एंड शाह LLP नाम से एक ऑडिट फॉर्म है, CA फॉर्म है, जिसने ऑडिट किया था 2018 में ऑडिट किया था एंड 2018 वाले ऑडिट रिपोर्ट को नाफ्रा ने रिव्यू किया एंड नाफ्रा का कहना है कि ऑडिटर ने अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं किया, यानी कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, लॉ को फॉलो नहीं किया वगैरह वगैरह। एंड नाफ्रा का कहना है कि जो पब्लिक मनी है, करीब 31,000 करोड़ पब्लिक मनी का हेरा फेरी किया गया था, इसका भी रिपोर्टिंग ए फॉर्म नहीं किया है। जो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 जो क्या कहता है, फ्रॉड रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। किसी फॉर्म कंपनी में अगर फ्रॉड होता है उस फ्रॉड को रिपोर्टिंग करना पड़ता है ऑडिटर के द्वारा अंडर सेक्शन 143(12) में, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है इसने रिपोर्ट नहीं किया था, इसलिए नाफ्रा ने बोला करीब करीब 31,000 करोड़ पब्लिक मनी का हेरा फेरी किया गया था, प्लस 3,700 करोड़ बैंकिंग फ्रॉड किया है प्रमोटर और डायरेक्टर मिलकर। देखो भाई, इतना इतना का ये लोग घोटाला किया है, फिर भी ये जो फॉर्म है CA फॉर्म, ये इसने रिपोर्ट नहीं किया अंडर सेक्शन 143(12) में। तो इसलिए नाफ्रा ने इन दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट पर पेनाल्टी प्लस इसके प्रैक्टिस पर बैन लगा दिया गया है। तो अब देख लेते हैं कितना कितना साल का बैन लगाया। अगर बैन की बात करें तो चतुर्वेदी एंड शाह LLP में फर्स्ट जो ऑडिटर है जिग्नेश मेहता, इस पर 10 साल के लिए प्रैक्टिस करने पर बैन लगा दिया गया है, प्लस 5 लाख का पेनाल्टी लगाया है। दूसरा पार्टनर है अमित विनय चतुर्वेदी, इस पर 5 साल के प्रैक्टिस पर बैन लगा दिया है, प्लस 5 लाख का पेनाल्टी लगाया गया है। इसके साथ साथ ही 18 अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट पर भी बैन लगाया गया है, 1 साल के लिए प्लस पेनाल्टी भी चार्ज किया गया है। तो ये पूरा न्यूज था। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं तब।